उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक इवेंट के नाम पर उदयपुर में देह व्यापार का कारोबार बढ़ा रहे थे। पुलिस ने कार में बैठी चार युवकों को भी रोक कर पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। थाना अधिकारी चेन सिंह ने बताया कि मंगलवार को बलीचा इलाके में नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो कार को रुकवाया गया था। कार में दो युवक बैठे हुए थे जिनके साथ चार युवतियां भी बैठी हुई थी। नाम पते और गंतव्य स्थान के बारे में पूछताछ करने पर कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। चौहान ने बताया कि पुलिस ने सराड़ा थाना क्षेत्र के बेरवा गांव निवासी जगदीश पटेल और पाली जिले के रहने वाले मोहन सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवक इवेंट का झांसा देकर महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात से युवतियों को बुला रहे थे और बाद में उन्हें मोटे लालच का झांसा देकर देह व्यापार में धकेल रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों के फोटो भेजकर रेट भी तय की जा रही थी और बाद में उन्हें स्वयं की कार से होटल और कई फार्म हाउस पर भेजा जा रहा था। बहरहाल उदयपुर को भी देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने आज मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है।